hello everyone in today's video i am doing one example of chapter lines and angles and this example is very important so this is the figure and in this figure pq is parallel to rs angle mxy is equal to 135 degree it is mxq एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री एंड एंगल एम वाई आर दिस इट इज फोर्टी डिग्री सो यू नीड टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई एक्स एम वाई दिस इज वाई सो दिस एंगल इज नीडीड टू बी फाउंड तो ये जो क्वेश्चन है ये बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप लिखना है कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पी क्यू के पैरल है ये देखो ये दिस आई एम ड्रॉइंग लेट द नेम ऑफ दिस लाइन इज ए बी सो वी हैव ड्रॉन ए बी लाइन पैरल टू पी क्यू लाइन सो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ए बी पैरल पी क्यू पासिंग थ्रू एम पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट एम कहां से पास कर रही है ये लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एम अब इसका सोल्यूशन तो पी क्यू इज पैरल टू ए बी क्यों पी क्यू के पैरल है बाई कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन देन यू आर गिवन पी क्यू इज पैरल टू आर एस दिस इज गिवन सो वी नो दैट टू लाइन पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर तो जैसे एबी पी क्यू के पैरल है आर एस भी पी क्यू के पैरल है तो देर फोर ए बी विल ऑल्सो बी पैरल टू आर एस और इसका रीजन है टू लाइन पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर अब आपको ये पूरा एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है राइट तो यहां पर आप वन लिख लो जहां पर वन थर्टी फाइव है और यहां पर टू लिख लो एंगल वन और टू को इंटीरियर एंगल्स है तो यहां लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन डिग्री देन इन द ब्रैकेट वी विल राइट को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स और ये को इंटीरियर कब है ये भी आपने लिखना है बिकॉज पी क्यू इज पैरल टू ए बी एंड XM be a transversal. X M be transversal. Now angle one is of 135 degree. You have substituted the value. Plus angle two is angle two only, and it is one hundred and eighty degree. So angle two can be found from here. इट इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज एंगल टू इज इक्वल टू टेन माइनस फाइव फाइव सेवन माइनस थ्री फोर सो इट इज फोर्टी फाइव डिग्री अब यहां पर आप थ्री लिख दो और यहां इस एंगल को आप फोर लिख दो राइट right? तो अब आप लिखेंगे ए बी इज पैरल टू आर एस ए बी इज पैरल टू आर एस एंड ट्रांसवर्सल किस को बोलना है एम वाई को एंड एम वाई बी आर ट्रांसवर्सल तो एंगल थ्री और एंगल फोर जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू तो एंगल फोर एंड द रीजन इज ए एल टी ऑल्टरनेट फुल स्टॉप आई एन टी इंटीरियर एंड दिस इज एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब एंगल थ्री आपके पास कितना है फोर्टी डिग्री का तो आप लिखेंगे सिंस एंगल थ्री इज फोर्टी डिग्री देयर फोर एंगल फोर विल ऑल्सो बी इक्वल टू फोर्टी डिग्री अब आपको टोटल कोलेक्टिव एंगल एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे एंगल एक्स एम वाई इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स वन इज टू एंड वन इज फोर सो दिस इज एंगल टू प्लस एंगल फोर सो टू एंगल वी हैव फाउंड फाइव डिग्री एंड फोर एंगल इज फोर्टी डिग्री सो दिस इज कोलेक्टिव एटी फाइव डिग्री सो दिस इज द Solution of example number four of chapter lines and angles, which is very important. Hope you have understood it. Thank you.